ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsahi.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं IJCT न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। गया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसी जानलेवा संकट की घड़ी में बिहार के गया से रूह कंपा देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। आज पूरा देश इस संक्रमण से बचने के लिए लाखों उपाय कर रही है। वहीं गया में शहर के प्रमुख मार्ग GB रोड में 4 तल्ला इमारत में बने रेडीमेड कपड़े के दुकान बॉम्बे बाजार से चौंकाने वाली खबर है। लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस दुकान से तकरीबन 100 से अधिक ग्राहक की भीड़ मिलने की खबर पर गया पुलिस ने छापेमारी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। शहर के छत्ता मस्जिद के निकट स्थिति बॉम्बे बाजार रेडीमेड कपड़े की बड़ी दुकान में सैकड़ों की संख्या में शटर के अंदर ग्राहकों की भीड़ मिली। गया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेडीमेड की दुकान को सील कर दिया है और महामारी COVID-19 के अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गया से विप्लव कुमार की रिपोर्ट। क्या सूचना क्या मिली थी सर? यहाँ सूचना हमें मिली थी, वो बताने सर 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 जी प्लेट्स को सील किया गया, उसके बाद बॉम्बे बाजार को। इस बीच में वेटिंग प्रतीक्षा के क्रम में हमने वस्त्रालय को सील किया रामला रोड में, और भी वेटिंग है, हम करेंगे। सर ये कितने लोग थे सर लगभग अंदर? मोर देन 80 तो प्रतीत हो रहे थे, आपने देखा होगा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जाएगी, जो भी दिशा निर्देश दिए गए और विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। पिनल सेक्शन प्रशासन को कितना देर इंतजार करना पड़ा सर? ऑलमोस्ट 2 घंटे तो मिनिमम करना ही पड़ा। क्या क्या वजह रही? वजह उनका डर खौफ कि हम लोग उसे पिटाई करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा, बट निश्चित रूप से कार्रवाई तो करेंगे, जो भी हमारी रफ वर्क है वो करेंगे। सर क्या सूचना मिली थी सर? हम लोग प्रतिदिन की तरह अपने गश्ती में थे लॉकडाउन को एनफोर्स कराने के लिए। स्थानीय सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनके साथ प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट यहाँ भ्रमण के क्रम में देखे कि ये दुकान खुला हुआ है। इसके जस्ट बगल में एक और दुकान था जी। यहाँ देखने के बाद इन लोग पट्टर अपना अंदर से बंद कर लिए, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और बगल में एक और दुकान है जो कि उनके द्वारा सील कर दिया गया। सील करने के बाद फिर यहाँ पे आए, हमें भी बुलाया गया, हम भी आए और अभी आप लोगों के सामने ही ये लगभग 2-2.5 घंटे के प्रयास के बाद इनके द्वारा दुकान का दरवाज़ा खोला गया है जो कि अंदर से बंद था। अंदर से बहुत सारे कस्टमर भी निकले हैं। सर कितने लोग टोटल होंगे सर? लगभग 100 से ऊपर तो थी। तो ये कौन सा दुकान है सर? बॉम्बे बाजार दुकान है, सामने बोर्ड लगा। किस तरह का कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी सरकार के द्वारा विधि सम्मत आदेश दिया हुआ है वो कार्रवाई किया जाएगा, दुकान सील किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की। प्रशासन को कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी सर खोलने के लिए? 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ प्रयास कर ही रहे थे, लगभग 2 घंटे लगा। किस तरीका से ये जो उल्लंघन कर रहे थे, क्या लगता है कि ये जो सरकार का जो गाइडलाइन था या सिक्योरिटी का था उसमें आपका क्या लगता है? सरकार का तो गाइडलाइन बिल्कुल स्पष्ट है और सबों के भलाई के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, ताकि कोविड का जो चक्र है वो चक्र टूटे। लेकिन इनके द्वारा उस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। आदेश के बावजूद दुकान को खोला गया था। प्रशासन को धोखा देने की नीयत से दुकान को अंदर ग्राहक करने के बाद शटर गिरा लिया गया जब प्रशासन आया। अब दुकान खोला गया है, सब ग्राहक वापस गए हैं। अब इनके देखने के बाद दुकान पर विधि सम्मत कार्रवाई।